हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर की यूरिया साइकिल के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यूरिया साइकिल के बारे में। दोस्तों, यूरिया साइकिल का एक और नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं यूरिया साइकिल क्या है, यूरिया क्या है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें यूरिया की, तो यहाँ पे देख सकते हैं NH2 सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये स्ट्रक्चर होता है यूरिया का। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे। यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिया क्या है? हमारा एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। द नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। जो नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड है वो कन्वर्ट होता है हमारा अमोनिया में। इज टॉक्सिक टू द बॉडी, ये हमारे लिए टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए। इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड डेक्स्ट्रोफाइड। यूरिया इज सिंथिसाइज इन लीवर एंड ट्रांसपोर्ट टू किडनी फॉर द एक्सक्रीशन इन यूरिन। यूरिया क्या होता है? वो सिंथिसाइज होता है हमारे लीवर में और ट्रांसपोर्ट होता है किडनी पे और वहाँ से एक्सक्रीट करता है हमारे यूरिन के थ्रू। इट इज द फर्स्ट साइकिल, ऐसा फर्स्ट साइकिल है जो डेट वॉज इलुसिएटेड बाय हैंस क्रैब्स एंड हैंसलिट साइकिल। इसलिए दोस्तों इस साइकिल को इट इज कॉल्ड क्रैब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यूरिया हैज़ 2 अमाइनो ग्रुप। यूरिया में 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, आप स्ट्रक्चर में भी देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने। वन इज ड्राइव फ्रॉम NH3, जो एक होता है वो ड्राइव होता है हमारे NH3 से और दूसरा होता है वो ड्राइव होता है एस्पार्टे से। कार्बन एटम इज सप्लाइड बाय CO2। जो कार्बन एटम होता है वो हमारा सप्लाई होता है CO2 से। यूरिया साइकिल इज अ 5-स्टेप साइकिल विथ डिस्टिंक्ट एंजाइम्स। जो यूरिया साइकिल है जो हमारा वो 5-स्टेप साइकिल है और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जो इसमें फर्स्ट 2 स्टेप होते हैं दोस्तों वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और जो बाकी रेस्ट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे साइटोसॉल में। इसमें कौन कौन से 5 स्टेप्स है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सिंथिसिस ऑफ कार्बोनियल फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, सिंथिसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो ये दोस्तों 5 स्टेप हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके पाथवे या साइकिल को देखते हैं, यूरिया साइकिल कैसा है और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था जो 2 स्टेप होता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और जो बाकी के हमारे स्टेप्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे साइटोसॉल में। तो अब इस साइकिल को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 कंबाइंड होता है तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 इसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो N-acetylglutamate एक तरह का एक्टिवेशन की तरह यहाँ काम करता है और यहाँ पे 2 ATP से 2 ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। फिर कार्बोइल फॉस्फेट से वहाँ पे हमारा सिट्रोलिन बनता है, जैसे आपने सेकेंड स्टेप में देखा होगा जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन लिखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता? ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइल। इसके बाद ये जो था 2 स्टेप दोस्तों ये हमारा कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो स्टेप चलेगा वो हमारा होगा साइटोसॉल में। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ सिट्रोलिन है दोस्तों, तो सिट्रोलिन से कन्वर्ट होता हमारा आर्जिनोसक्सिनेट में। यहाँ कौन सा एंजाइम कर रहा है काम? हमारा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस। तो यहाँ पे ATP से AMP प्लस PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। फिर आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होता है हमारा आर्जिन और फ्यूमरेट में। जो फ्यूमरेट है वो हमारा चल जाता है TCA साइकिल में, आर्जिन हमारा जाता है अगला नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है दोस्तों उसे हम आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेस कहते हैं। फिर यहाँ से आर्जिन से हमारा बनता है यूरिया। यहाँ कौन सा एंजाइम रहता है दोस्तों? आर्जिनेस। और यूरिया से हमारा कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन और जो हमारा लास्ट स्टेप जो यहाँ बनता है ऑर्निथिन। इसलिए दोस्तों हम इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं और यूरिया साइकिल भी कहते हैं। यहाँ जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है दोस्तों वहाँ 4 ATP कंज्यूम्ड होता है।
दोस्तों ये काफ़ी इजी है, पाथवे है या साइकिल है, आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके ट्रिक्स की बात करें तो दोस्तों आप एंजाइम इजीली ट्रिक से याद कर सकते हो। कोसा, सी मतलब कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस, ओ मतलब ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइल, एस मतलब सक्सीनेट, फिर यहाँ पे एस आया दोस्तों यहाँ भी सक्सीनेट होता है, और फिर ए मतलब आर्जिनेस। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक से आप याद करते हो तो एंजाइम आपको इजीली याद हो सकता है। सी ओ सी ए ए ए एफ यू, ये ट्रिक है दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका। तो दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप एंजाइम याद कर लो और स्टेप्स के नाम याद कर लो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यूरिया स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे दो NH2 ग्रुप मतलब एमाइनो ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ भी प्रेजेंट रहता है। ड्राइव कैसे होता है, मैंने पहले बताया था, एक NH3 से ड्राइव होता है, एक एस्पार्टे से ड्राइव होता है। दोस्तों अब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है यूरिया साइकिल की। यूरिया साइकिल इज अ फर्स्ट इलुसिएटेड मेटाबॉलिक पाथवे, एक तरह का फर्स्ट इलुसिएटेड मेटाबॉलिक पाथवे है। द एक्सेस नाइट्रोजन फॉर्म यूरिया, यूरिया में हमारा एक्सेस नाइट्रोजन फॉर्म होता है। यूरिया प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर, लीवर में होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे किडनी से, एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन से। टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू नॉन टॉक्सिक यूरिया, जो टॉक्सिक अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है हमारा नॉन टॉक्सिक यूरिया में। इस ऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो 5 मार्क्स से, अगर लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों अपने एग्जामिनेशन में। डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल और उसके डिफिशियंसी, किसकी कमी से ये सब डिसऑर्डर हो रहे हैं। हाइपर एमोनीमिया टाइप 1, तो ये किसकी कमी से होती है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 से। दोस्तों इस टाइप आप पॉइंट वाइज और टेबल फॉर्म में बना के आते हो तो अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पॉइंट वाइज बड़ा हाईलाइट करता है पेपर में। हाइपर एमोनीमिया टाइप 2, ये किसकी कमी से होता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की कमी से। सिटोलुमिया, तो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस की कमी से होता है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया आर्जिनोसक्सिनेट की कमी से होता है। हाइपर आर्जिनीमिया, यहाँ आर्जिनेस के कारण होता है। तो दोस्तों ये सब तो बात हुई हमारे डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल, सिग्निफिकेंस और यूरिया साइकिल पाथवे, और दोस्तों यूरिया साइकिल के इंट्रोडक्शन की। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए अच्छी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।